कि जंगल, जमीन, घर, नौकरी जाने वाली है, भाजपा आ गई है। उड़ीसा ने भाजपा को इतने साल से कभी मौका नहीं दिया, अब विश्व गुरु आ गया है। उड़ीसा का बर्बादी होने वाला शुरू हो गई है। आप सब लोग से पहले तो हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आने में थोड़ी सी देरी हुई है। हम उड़ीसा के जनता से अपना धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में सपोर्ट किया है और देश भर के जनता ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र दामोदर मोदी को दिया है। पता नहीं अलग अलग लोग ने अलग अलग इस चुनाव के नतीजे के विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन ये देश ने साबित कर दिया है कि एक अहंकारी तानाशाह, एक झूठ बोलने वाला शहंशाह, एक ऐसी पार्टी जो हमेशा झूठ और नफरत की राजनीति करती है, उसको देश के जनता ने जगह दिखा दिया है। सुनने में आया कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में कि अलग अलग डिमांड्स हैं, केंद्र में हो या भुवनेश्वर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जनता के मुद्दे पर हम लोग खड़े उतरेंगे। हमारे 14 विधायक जो है इनके 140 विधायक के बराबर होंगे। मैं उड़ीसा के जनता को पहले ही चेतावनी देना चाहूँगा कि अब तैयार हो जाइएगा कि अपना जंगल, जमीन सब बेचने वाले सरकार आ गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए कि नहीं बनाए, जितने भी जंगल, जमीन, पानी है जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया, गुजरात में हमने देख लिया, तो आप लोग तैयार रहिए। मध्य प्रदेश में हमने देख लिया, आपके कोई भी जंगल नहीं बचेगा, कोई भी आदिवासी का जमीन नहीं बचेगा, कोई भी अनुसूचित जाति का घर नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी तरह से कालांडी, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, पूरी तरह से ये लोग जो है अदानी और वेदांता को देने की तैयारी में। मुख्यमंत्री जो है वो तय करेंगे अदानी और अंबानी और वेदांता। तैयार रहिए। कल हम प्लेन में आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि सब सूट बूट वाले हमारे साथ थे। इतने ज़्यादा पहले मैं नहीं देखा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि बीजेपी की सरकार आ रही है, सब जो है लूटने वाले जो है भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं। इतने दिन से मैं भुवनेश्वर दिल्ली का फ्लाइट कर रहा हूं, कभी इतना सूट वाला जो है कभी मैंने नहीं देखा। होटल में आज हम लोग देख रहे थे, इतने सूट वाले अचानक कहां से आ गए। आपका कोई भी जंगल, जमीन कुछ नहीं बचेगा। और कोस्टल इलाके के लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर 5 साल हम लोग संघर्ष करेंगे। उड़ीसा के जनादेश को हम पूरी तरह से सम्मान देते हुए, लेकिन आपके मुद्दे हम छोड़ेंगे नहीं। और अगले 5 साल में हो सकता केंद्र में सरकार गिरे या नहीं गिरे, वो दूसरी बात है। अगर सरकार गिर जाती है तो फिर से लोकसभा चुनाव होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने जंगल और जमीन बिछ चुका है, बेच देंगे ये लोग। तो इसलिए उड़ीसा के जनता को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रमुख मेरे तरफ से एक सबसे बड़ा चेतावनी जो उड़ीसा के जनता को या पहले से सूचित कर रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए कि आपका जंगल जाने वाला है। आप लोग तैयार रहिए, बेरोजगारी बढ़ने वाला है। आप लोग तैयार रहिए कि सूट बूट के लोग पहुँचेंगे भुवनेश्वर, पूरा उड़ीसा को खाली करके जाएंगे। और ये आज का डेट 6 जून 2024 का डेट को याद कीजिए। आप इस सरकार का लूट को रोकने के लिए एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग उनके सिपाही के रूप में आपका जंगल, जमीन, नौकरी बचाने के लिए हम लोग जेल डालने के लिए तैयार है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमको मत छोड़िए। जनता से फिर से अनुरोध है
और ये हमारे 14 विधायकगण और जितने भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, बहुत सारे लोग जो छोटा सा मार्जिन से हारे, बहुत सारे लोग जो 10-15 हज़ार वोट से भी हारे लेकिन अच्छे वोट लाए, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपको बुलाएंगे अलग से, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट जो हारे, हताश मत होइए, जो जो लोग ने जो ईमानदारी पूर्वक जो जिन्होंने लड़ाई की उनको पूरा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, और कांग्रेस संगठन में जिन्होंने भी गद्दारी की, जिन्होंने काम नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी मैसेज देना जरूरी है कि उनका कोई स्थान नहीं है इस संगठन में। हमको ईमानदार लड़ने वाले के लोग की आवश्यकता है, जो जिन्होंने पार्टी के साथ जो है चुनाव में हमने बहुत सारे लोग को पहचान लिया है, गर्दन पकड़ करके कुछ लोग को निकालने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, हर संगठन को शुद्धिकरण की वो भी कार्रवाई होगी। ये जरूरी इसलिए क्योंकि आपके माध्यम से सबको जो है ऑफिशियल रूप से जाएगा। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो लड़े थे बिना पैसे के, संगठन में पूरी तरह से जी जान लगाए, सबको जो है मान सम्मान के साथ पद दिया जाएगा, अच्छे लोग को जो मौका दिया जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, फिर मैं इसके बाद भट्टी सर से अनुरोध करूंगा कि देश के बारे में आगे का क्या रोड मैप है। याद रखिए कि जंगल, जमीन, घर, नौकरी जाने वाली है, भाजपा आ गई है। उड़ीसा ने भाजपा को इतने साल से कभी मौका नहीं दिया, अब विश्व गुरु, विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु आ गया है। उड़ीसा का बर्बादी होने शुरू हो गई है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उसी के आड़ पर लूटेगा, लेकिन हम खड़े रहेंगे ताकि ये विश्व गुरु आपको हानि ना पहुंच पाए। इसी शब्दों के साथ पुनः भुवनेश्वर और उड़ीसा के बहादुर प्रेस, आप सब लोग, मैं आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने धन्यवाद दिया था, मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हम लोग को जो हम सही काम करते हैं समर्थन करते रहिए, साथ रहिए। आप सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया है और निष्पक्ष काम किया है। आपने जहाँ पर हमने गलती की आपने हमको टोका, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई विल ऑल्सो कंटिन्यू, कि गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कुछ लोग को, उड़ीसा इतना प्यारा प्रदेश है, तो हम आप सब लोग इतने प्यार दिया तो हम लोग भी यहीं रह करके आपके साथ काम करेंगे, PCC के टीम के साथ हमेशा लड़ाई जो है युद्ध करते रहेंगे, अगले 5 साल तक संघर्ष जारी रहेगा उड़ीसा की जनता के लिए।